أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام عليكم جناب مجھے بتائیے گا آواز سکرین اور کیمرہ کیا تینوں چیزیں بالکل کلیئر ہیں آپ سب کو وائس سکرین اینڈ کیمرہ بہترین ہو گیا گڈ सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत बेसिक बात की थी. हम लोगों ने ऑडिट को समझा था, ऑडिट के बेसिक सी डेफिनेशन को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ऑडिट क्या है, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, फिर तीन छोटे छोटे से प्यारे से कॉन्सेप्ट सीखे थे, अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, एजेंसी. उसके बाद हम लोग आगे गए थे और हम लोगों ने मटीरियलिटी, इंडिपेंडेंस और ट्रू एंड फेयर की बात की थी. मटीरियलिटी को हम लोगों ने कैलिब्रेट कर दिया था आईएसए 320 के अंदर, और मैंने आपसे कहा था कि आपने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला एरिया देख के अंदर. मुझे बताइए अभी तक इन दो दफों में जो कि आपने स्टडी किए हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो फर्स्ट. आपका कोई सवाल अगर इन दो पेजेस के अंदर है तो मुझे बताइए, सबसे पहले मैं स्पॉन्सर करूंगा एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस आर द गवर्नेंस वाली हेडिंग इस लाइन Providing written representation to the auditor and the end of audit. इसका क्या मतलब है? अभी इसके ऊपर बात करते हैं. अभी इसके ऊपर सारी डिटेल्स से बात होगी. इस कॉन्सेप्ट के अलावा मुझे बताइए, जितना हम लोगों ने क्लास में कवर किया था, जितना हम लोगों ने क्लास में कवर किया है, उसमें से उतने में से if you have any question. उतने में से किसी का कोई सवाल? ऑल डन? ऑल ओके? ऑल इज वेल. चलिए जी शुरू करते हैं आज की कहानी को. सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है. सवाल है कुछ यूं कि जनाब आप लोगों ने मुझे बताने हैं एक कंपनी ऑडिट क्यों करवाती है? व्हाई अ कंपनी गेट्स इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड? एक कंपनी ऑडिट क्यों करवाती है? व्हाई? उसको क्या जरूरत है ऑडिट करवाने की, या इन अदर वर्ड्स उसको क्या फायदे मिलते हैं ऑडिट करवाने से, ताकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ सके. आपको अगर याद हो हमारी बैंक लोन वाली मिसाल, तो टू इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, और बताइए, एक कंपनी क्यों ऑडिट करवाने में इंटरेस्टेड होती है? क्यों उसको शौक होता है कि वो अपना ऑडिट करवाए? क्या उसको फायदा मिलता है? उसको इस चीज की जरूरत क्यों? एक तो आपने मुझे बता दिया कि वो अपने अकाउंट्स की इनक्रेडिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं. कंपनी अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसीजर्स को, अपने प्रोसीजर्स को मजीद इफेक्टिव बनाना चाहते हैं. कंपनी जानना चाहती है कि उसके सिस्टम्स में क्या मसले मसाइल हैं, तो उसको मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने सिस्टम्स को मजीद एनहांस करने के लिए कंपनियां ऑडिट करवाती हैं,
ताकि कंपनी को ट्रू एंड फेयर व्यू पता चल सके, टू गेट ट्रू एंड फेयर व्यू. अगर आने वाले वक्त में उनके पास कोई परेशानी आ सकती है, उन पे केस खुल सकता है, तो कंपनी के पास एक रिकॉर्ड हो कि हाँ जी हमने अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाया था. तो टू सिक्योर एनी लिटिगेशंस इन फ्यूचर. ठीक है, आपने बताया कि वो कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है वो अपना ऑडिट करवाती है. मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि कंपनी ऑडिट क्यों करवाती है, उसको क्या फायदे मिलते हैं ऑडिट करवाने. आप लोगों ने मुझे अभी तक बताया कि उसके अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, कंपनी के सिस्टम्स, कंपनी के प्रोसीजर्स, कंपनी का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको मजीद इफेक्टिव बनाने में ऑडिट हेल्प करता है. कंपनी के अकाउंट्स जब ऑडिट हो रहे होते हैं तो कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है कि उसके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे. या इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि कंपनी को अपने एरर्स का पता चल जाता है. ट्रांसपेरेंसी बेहतरीन, ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी का एक एलिमेंट ऐड हो जाता है. मैनेजमेंट की ड्यूटीज, क्या मैनेजमेंट अपनी ड्यूटीज फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. अच्छा, ड्यूटीज भी दो तरह की होती है, एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है, एक नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है. स्टैट्यूटरी ड्यूटी वो होती है जो कि बाय लॉ डिफाइन की गई हो, और नॉन स्टैट्यूटरी होती है जो कि बाय लॉ नहीं है, कंपनी के अपने कल्चर उसको ये काम करने पर मजबूर कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय लॉ ये ड्यूटी है कि कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी, बाय लॉ ये ड्यूटी है कि कंपनी ऑडिटर को तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी, ये है कंपनी की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज. बाय लॉ ये ड्यूटी है कि कंपनी ने एजीएम करवानी, बाय लॉ ये ड्यूटी है कि कंपनी ने रजिस्ट्रार को कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं. तो ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है जो कि इम्पोज्ड बाय लॉ. कंपनी अपना वर्क एनवायरमेंट अच्छा रखेगी, कंपनी नए आने वाले एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से डील करेगी, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं हुआ होगा. ये क्या है, ये नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, यानी कि उनकी कल्चरल ड्यूटीज है, ये उनकी स्ट्रेटजिकल ड्यूटीज है. तो ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या ड्यूटीज फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है. सिर्फ ड्यूटीज इन्होंने बाय नाम रखी है. फ्रॉड, फ्रॉड को डिटेक्ट करता है ऑडिटर, फ्रॉड को प्रिवेंट करता है ऑडिटर. तो फ्रॉड की डिटेक्शन में, फ्रॉड की प्रिवेंशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. और कोई खूबी जहन में आ रही हो, इस तरह करें ना, आप ये सोचें कि आपकी एक कंपनी है और आप उस कंपनी का ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से फायदे आपको मिलेंगे ऑडिट करवा. कंपनी की एक ओवरऑल पिक्चर सामने आ जाती है शेयर होल्डर्स के, स्टेक होल्डर्स के, कंपनी करंट क्या परफॉर्म कर रही है और कंपनी फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्म कर सकती है. तो परफॉर्मेंस को हम एनालाइज कर सकते हैं. परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है करंट और फ्यूचरिस्टिक. और मजे की बात है कि हम करंट को कंपेयर भी करते हैं, याद है कंपैरेटिव नोट्स, तो हम इस करंट को कंपेयर भी कर सकते हैं किसके साथ, किसके साथ जो ऑलरेडी साल गुजर चुके हैं. तो कंपैरिजन विद प्रीवियस इयर्स, कंपैरिजन विद प्रीवियस इयर्स होते हैं यहाँ पे. ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़ जाती है, ओवरऑल फाइनेंशियल जो रिस्क है वो कम होने शुरू हो जाते हैं. अच्छा, जो इम्प्लॉयज हैं उनको भी ये डर होगा कि भाई ऑडिटर आके उनकी चोरी पकड़ लेगा. तो इम्प्लॉयज जो कि इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फ्रॉड करना चाहते हैं, एरर करना चाहते हैं, वो भी सावधान हो जाते हैं.
इंडिया का वर्ड है सावधान, यानी कि वो भी सहम जाते हैं, डर जाते हैं। और भी फायदा आपके जहन में आता हो, एनी अदर एडवांटेज, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट प्लान्स। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं कि क्या कंपनी के पास इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है कि कंपनी अपने आने वाली इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कैटर कर सके। मर्जर्स, एक्विजिशन, इजियर टू डू डिसाइड कि कंपनी का आगे क्या, हम लोग कंपनी को मर्ज करवा सकते हैं, कंपनी का आगे फ्यूचर क्या है, क्या कंपनी किसी नए बिजनेस में थोड़ी दाखिल होने जा रही है। बेहतरीन हो गया, आप लोगों ने मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें बता दी हैं। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से कुछ बातें किताब में भी लिखी है, तो आपको लगता है कि हमें ये बातें याद करने की जरूरत है, क्या हमें ऑडिट करवाने के फायदे याद करने चाहिए या हम इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं? जी, क्या हम इसके फायदे हमेशा याद करें, क्रैम करें, हम इसको अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं? जी जनाब, हम इसको अपनी वर्डिंग्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किताब में ये बात कहां पे लिखी है, कैसे लिखी है। थोड़ा सा हम मजीद जंप करते करते आगे आ गए और जनाब ये थे आपके एडवांटेजेस। अब जरा वन बाय वन करके इसको रीड करें। It increases the credibility of financial statements. Management की statutory duties, management की non-statutory duties की overall compliance का क्या management अपनी duties follow कर रही है या नहीं कर रही है? Internal controls के ऊपर feedback। अच्छा, अब ये internal controls क्या है आपको बताता हूँ। Internal controls basically कहते हैं company के systems को, company के processes को। कंपनी सेल कैसे कर रही है, कंपनी परचेजिंग कैसे कर रही है, कंपनी एक्सपेंस कैसे कर रही है, कंपनी अपनी इनकम को कैसे रिकॉर्ड करती है, कंपनी ने फिक्स एसेट्स कैसे रखे हुए हैं, कंपनी का पेरोल, कंपनी अपनी सैलरीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये सारी चीजें क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स। कंपनी की इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसी है, फिक्स एसेट मैनेजमेंट कैसी है, एम्प्लॉयज के साथ कैसे डील करती है, कैसे कैसे अपने सामान को सेल आउट करती है, सेल रिटर्न की पॉलिसीज क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेल्स करते हुए। सबसे पहले सेल ऑर्डर बनता है, उससे पहले सेल रिक्वजिशन आती है, फिर सेल ऑर्डर बनता है, उसके बाद गुड्स डिलीवर होती है, उसके बाद आप कंफर्मेशन करते हैं, फिर आपको पैसे रिसीव होते हैं, वो पैसे कैश में आ रहे हैं तो क्या करना है, पैसे क्रेडिट कार्ड में आ रहे हैं तो क्या करना है, हम अपने कस्टमर्स को कितना लेवरेज दे रहे हैं, बैड डेट्स कितने रिकॉर्ड करने हैं, कितने रिकॉर्ड नहीं करने, वो तमाम प्रोटोकॉल्स, तमाम सिस्टम्स कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कहलाते हैं। यानी कि वो कंट्रोल्स जो कि कंपनी लगाती है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी जो कंट्रोल लगा रही है वो कहलाती है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कहती है अंदरूनी, कंपनी के अंदरूनी मामला, कंपनी के अंदरूनी मामला, कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी में आईटी स्ट्रक्चर्स का क्या क्या रोल है, कंपनी किस तरीके से आगे फ्लरिश कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर इंटरनल कंट्रोल्स। इसके ऊपर हम तफसील से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 6 में। अभी के लिए जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है इंटरनल कंट्रोल, इसका मतलब है सिस्टम्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, कि कंपनी कैसे कैसे क्या क्या चीजें करती है। सर, ये नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बाय लॉ डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड बाय लॉ। ये कंपनी अपने रूल्स को भी बना रही, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने ये रूल बनाया हुआ है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को इन क्वालिटी मेजर्स के ऊपर अपना सामान देंगे,
और अगर वो उन क्वालिटी मेजर्स को ब्रीच कर रहे हैं या उन क्वालिटी मेजर्स के मुताबिक सामान नहीं दे रहे हैं या चेक ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने कंट्रोल्स को तोड़ रही है और अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, अपनी नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही है। कंपनी में ये ड्यूटी थी या कंपनी का एक ये प्रोटोकॉल था कि हर आने वाले एम्प्लॉय को ये लोग वर्क एथिक्स सिखाएंगे, मगर रिसेंटली इन्होंने 5 एम्प्लॉयज अपॉइंट किए, उनको ये चीज नहीं सिखाया, उनको ट्रेन नहीं किया। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज पूरी नहीं की। अब एम्प्लॉय को ट्रेन करना लॉ ने नहीं कहा, कंपनी की एक अपनी पॉलिसी है। तो कंपनी अगर अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी को तोड़ रही है, ब्रीच कर रही है, अपने ही लगाए हुए कंट्रोल्स को तोड़ रही है, इसका मतलब है कि कंपनी अपनी नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही है। इसी तरह जहां पे इंटरनल कंट्रोल्स वीक होते हैं, इनएडिक्वेट होते हैं, कम होते हैं, ऑडिटर जाते जाते उनको रिकमेंडेशन देके जाता है कि भाई कैसे आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर ऑडिटर को बहुत सारे मसले आए। एक मेन प्रॉब्लम ये था सेल्स के अंदर कि सेल ऑर्डर नहीं बना रही थी कंपनी, कंपनी डायरेक्ट गुड्स डिलीवर कर रही थी। ऑर्डर आता था, उसको एक कागज पे लोग नोट करते थे, कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं बनता था और उसके बाद सामान डिलीवर कर देते थे। सेल ऑर्डर नाम की डॉक्यूमेंट मिसिंग था। इसका मतलब ये है कि कंपनी का एक कंट्रोल मिस है। इस कंट्रोल के मिस होने की वजह से चांसेस हैं कि कंपनी एरर या फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। अब जब एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो हो सकता है कि सामान उस बायर को चला जाए जो कि ऑलरेडी डिफॉल्टर। अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जो हमारे बायर्स को चेक कर रहा है कि हमारे बायर्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हमें पैसे पे कर सके, और अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप गलत सप्लायर्स को, गलत बायर्स को सामान बेच सकते हैं। तो जहां पे जिस पॉइंट पे, जिस जिस डिपार्टमेंट में ऑडिटर फील करता है कि यार यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी मगर है नहीं, तो वो जाते जाते जो वीक कंट्रोल्स हैं, जो इनएडिक्वेट कंट्रोल्स हैं, उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन, अपना फीडबैक शेयर करके जाता है ताकि फॉर नेक्स्ट ऑडिट उसको ये वाले मसले ना आए। तो अगर उसने सेल्स के अंदर 5-6 एरियाज के अंदर वीकनेस आइडेंटिफाई की है तो वो जाते जाते बता के जाएगा कि सर हमें ये वाले मसले आए हैं, काइंडली नेक्स्ट टाइम इन मसलों को ध्यान से देखिएगा, अभी तो हमने अपना काम कर दिया, हमें टाइम ज्यादा लगा है, बट आपके अगर कंट्रोल स्ट्रांग होते तो हमारा टाइम कम लगता, नेक्स्ट टाइम के लिए कंट्रोल्स को बढ़ा लें ताकि रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड रिस्क ऑफ एरर यहां से भी रिड्यूस किया जा सके। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिजिकल कॉलेज में आपने देखा होगा या स्कूल में आपने देखा होगा कि जब आप क्लास में एंटर हो रहे होते हैं तो एक अंकल खड़े होते हैं बाहर कागज लेके, उस कागज के ऊपर बच्चे का नाम, बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का CRN, बच्चे की फी लिखी आ रही होती है कि कितने फी पेंडिंग। अब बच्चे क्लास में जैसे जैसे एंटर हो रहे हैं वो हर एक बच्चे को रोक के पूछते हैं, जी आपने फी पे की है, टिक लगा दिया, आपने फी पे की है, अच्छा दिखाओ मुझे वाउचर, दिखाओ मुझे रसीद। तो ये रसीद का मांगना, रसीद को चेक करना, उस इंसान का दरवाजे के बाहर खड़ा होना, ये क्या है? कंट्रोल। और हम किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई ऐसा बच्चा क्लास में ना बैठ जाए जिसने फी ना पे की, तो उस शख्स का खड़ा होना, बच्चों से चेक करना, ये है इंटरनल कंट्रोल। इसी तरह हर अपने अपने डिपार्टमेंट का, अपने अपने एरिया के अपने अपने इंटरनल कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब स्टॉक काउंट होता है या जब स्टॉक की मैनेजमेंट हो रही होती है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो रही होती है, तो एक कंट्रोल ये होता है कि जब आपने स्टॉक काउंट करना है तो आपने कागज पे पेंसिल के साथ कोई चीज नहीं लिखनी, आपने हमेशा पेन का इस्तेमाल करना है। सोच के बताइए ऐसा क्यों? पेन का इस्तेमाल क्यों करेंगे और पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? सोच के बताइएगा।
जब आपने लिखना है कि इस कंपनी के इस वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक पड़ा है, तो आपने उसको पेंसिल से नहीं लिखना, आपने पेन से लिखना है। वाई? अगर आप उसको पेंसिल से लिखेंगे तो आप उसको आसानी से मिटा सकते हैं। पेन का लिखा हुआ आसानी से मिटता नहीं है, आपको उसको ब्लैंको करना पड़ेगा या आपको उसको कट करना पड़ेगा। अगर आपने पेंसिल से लिखा है तो आप बहुत आसानी के साथ उसको मिटा सकते हैं। तो ये कंट्रोल है कि आपने पेंसिल यूज नहीं करनी है, आपने पेन यूज करना है। अच्छा, जिस शीट के ऊपर कंपनी ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है, स्टॉक टेक की है, हमें क्या उस शीट के ऊपर साइन करने चाहिए जिस बंदे ने वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है? क्या उस बंदे के साइन आने चाहिए जिसने स्टॉक काउंट करके उसके ऊपर चीजें लिखी है? क्यों आने चाहिए? क्यों क्यों वाई वाई डू यू थिंक उस बंदे के साइन उसके ऊपर आने चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है? इसकी इतनी क्या जरूरत है? ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। कल को अगर उस ब्लॉक के अंदर कोई मसला आता है तो हम उस बंदे को पकड़ सके, उस बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके कि भाई तुमने इस एरिया का स्टॉक टेक किया था, तुमने हमें बताया था कि इस प्रोडक्ट की इतनी इतनी इन्वेंट्रीज मौजूद है, अब इसमें मसला आ रहा है, बताओ क्यों। उससे पूछ हम सके, उसको अकाउंटेबल हम खड़ा कर सके। और अगर वो हमें साइन करके नहीं दे रहा और मैनेजमेंट वाले भी खामोश है, आपको लगता है कि कंपनी के कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है या कंपनी के कंट्रोल्स वीक है? कंट्रोल्स को हम दो एस्पेक्ट से मेजर करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो अगर हम उससे साइन नहीं ले रहे हैं तो क्या ये स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है या ये वीक कंट्रोल है? बताएं जरूर, क्या इस कंट्रोल की स्ट्रेंथ है या इस कंट्रोल की वीकनेस है? साइन ना करना। और मैनेजमेंट वाले भी पलट के कुछ नहीं पूछ रहे कि तुमने साइन क्यों नहीं किया। डेफिनेटली ये एक वीकनेस है। दिस इज अ वीकनेस। तो इसका मतलब ये है कि ऑडिटर ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मसला है। अब जाते जाते वो उनको बता के जाएगा, उनको रेकमेंड करके जाएगा कि यार हमने ये वीकनेस आइडेंटिफाई की है, हमारे मुताबिक इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, तुम लोग इसके ऊपर अपने प्रोसीजर्स लगा लो ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए इसको अवॉइड किया जा सके। यहां तक पहले मुझे बताइए, हमारी बात क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है? यहां तक पहले मुझे बताइए, बात समझ आती है? कंपनी के अपने प्रोटोकॉल्स, इंटरनल प्रोटोकॉल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि आपको डेली बेस के ऊपर क्लास में जूम का लिंक शेयर होता है, ये क्या है? ये कंपनी का कंट्रोल है। ऐसे ही है ना कि आपको क्लासरूम ग्रुप के अंदर उन रजिस्टर्ड बच्चों को डेली क्लासेस का लिंक शेयर होता है। अगर हम ये लिंक उठा के दूसरे ग्रुप्स में डालना शुरू करते हैं और वो बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, तो क्या ये आपके साथ जुल्म होगा? क्या ये आपके साथ जुल्म होगा? कि आप पे करके बैठे हैं और वो बच्चे जिन्होंने पे भी नहीं किया वो सिर्फ क्लास में इसलिए आ गए हैं क्योंकि उनके पास क्लास में आने का लिंक मौजूद है। ऐसे तो कोई भी बंदा बगैर फी पे की आ सकता है, करना क्या है? एक लिंक पे क्लिक ही तो करना। अच्छा, पहली चीज, कंपनी की ये पॉलिसी हो कि ये लिंक किसी और जगह पे शेयर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, क्या मैं इसको कंट्रोल कह सकता हूं?
क्या मैं इस पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता हूँ? ये लिंक सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा, अब इस कंट्रोल को चेक करते हैं। जो हमारा एडमिशन स्टाफ है उसने किसी और जगह पे ये लिंक शेयर नहीं किया, लिंक सिर्फ उसी ग्रुप में आया जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का था। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या ये मेरा कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है। अब क्लास की अटेंडेंस के मुताबिक क्लास में जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो है 50, रजिस्टर्ड बच्चे हैं 50। उन रजिस्टर्ड बच्चों में से किसी एक बच्चे ने वही वाला लिंक उठा के किसी और ग्रुप में डाल दिया जिसमें मैनेजमेंट का कोई बंदा शामिल नहीं था। आप बच्चों में से ही किसी ने वो लिंक पकड़ा और उठा के किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। अब जब आपने किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है और वहां से बच्चे ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं, तो क्या इसमें गलती मैनेजमेंट की है या नहीं? क्या इसमें गलती मैनेजमेंट की है या नहीं, सोच के बताइएगा। इसमें गलती मैनेजमेंट की है। कैसे? अब ये सुने, कैसे है ये सुने। पहली चीज तो ये कि आपको ग्रुप के अंदर लिंक नहीं आना चाहिए। पहली वीकनेस क्या है कि आपको ग्रुप के अंदर लिंक नहीं आना चाहिए। लिंक कहां पे हो? पोर्टल पे हो। लिंक कहां पे हो? पोर्टल पे हो। पोर्टल की एक्सेस आपके पास हो। उस पोर्टल से एक टाइम पे एक बच्चा क्लास में एंटर हो सके। और अगर लेट सपोज पोर्टल की अवेलेबिलिटी फिलहाल नहीं है, तो मैनेजमेंट को कम से कम एक बंदा डेडिकेट करना चाहिए। वो सिर्फ कंपेयर करे कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या है और कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है और क्या बच्चे अपने सीआरएन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पॉलिसी होनी चाहिए कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो अपने सीआरएन से ज्वाइन करें। और फिर एक बंदा बैठ के सीआरएन को मैच कर रहा हो सीआरएन के साथ, बेसिकली वो अटेंडेंस मार्क कर रहा हो कि क्या वाकई में वही बच्चे आए हैं जो कि एनरोल्ड हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, इट मींस के कंट्रोल्स क्या है? वीक। कंट्रोल्स क्या है? अब कंट्रोल्स के ऊपर कुछ लॉजिक क्लियर होगी आप सब? कंट्रोल्स का जो वर्ड था जो आपको परेशान कर रहा था लास्ट डे से, अब वो क्लियर है। इंटरनल कंट्रोल्स क्या है? कंपनी के अपने प्रोटोकॉल्स, कंपनी के अपने सिस्टम्स, कंपनी के अपने प्रोसीजर्स। ठीक है, जब आप आईकैब में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो आईकैब आपसे एक शीट साइन करवाता है जिसपे आपका नाम लिखा होता है, आपका सीरियल लिखा होता है और आपकी तस्वीर लगी होती है। अगर वो तस्वीर ना लगी हो तो क्या है क्या वाले आपको पहचान पाएंगे कि आप वही शख्स है जिसका नाम लिखा हो? क्या आईकैप वाले पहचान पाएंगे क्या वही शख्स है जिसका नाम लिखा हुआ है? नहीं। तो बेसिकली वो तस्वीर क्या है? उस तस्वीर को जब कंपेयर करते हैं आपकी शक्ल के साथ, इट मींस के वो देख रहे हैं कि क्या ये वाकई में वही शख्स है जो कि एग्जाम देने आया है, जो कि रजिस्टर्ड है। वो है कंट्रोल टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, और अगर मेरा कंट्रोल वीक हो तो आपने याद रखना है कंट्रोल वीकनेस से कंट्रोल रिस्क आ जाता है। कंट्रोल वीकनेस से कंट्रोल रिस्क आ जाता है, और ये कंट्रोल रिस्क ओवरऑल ऑडिट रिस्क को बढ़ा देता है। ओवरऑल ऑडिट रिस्क को बढ़ा देता है क्या? कंट्रोल रिस्क। ये लाइन नोट कर लें, कंट्रोल रिस्क अगर है तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क
मेरा बढ़ जाएगा। इतनी सी बात लाल रंग से किसी जगह पर नोट कर लें, ये बात आपको मैं दोबारा भी किसी जगह पे लिंक करवा रहा हूं। ऑडिट रिस्क मेरा बढ़ जाएगा जब कंट्रोल रिस्क मेरा बढ़ रहा होगा। लिख लिया जी, लिख चुके हैं आप लोग? और अगर मेरा कंट्रोल रिस्क कम है तो मुझे बताइए कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी या कम होगी? अगर मेरा कंट्रोल रिस्क कम है तो क्या मैं कंपनी की परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं? कंट्रोल रिस्क कम है, कंट्रोल रिस्क कम है, कंट्रोल रिस्क कम है का मतलब है कि कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है। कंट्रोल रिस्क कम होने का मतलब यह है कि कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है। जब कंपनी के कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, जब कंपनी के कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एम आई क्लियर? चलिए यहां पर इसको लिख लेते हैं ताकि आपको फिर भी याद रहे बाद में भी। स्ट्रांग कंट्रोल्स is equal to less control risk is equal to lower audit risk or weak controls is equal to more control risk is equal to more audit risk। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। जितने strong controls उतना ही कम risk, जितना ही कम risk उतना ही कम मेरा audit risk। ठीक हो? यहां तक कहानी क्लियर हो गई? तो audit के फायदे क्लियर हो गए? अब जरा मुझे बताइए ऑडिट करवाने के क्या क्या नुकसान, ऑडिट करवाने के क्या क्या नुकसान हो सकते? आज तक तो हम ये समझते हैं कि ऑडिट करवाने के फायदे फायदे हैं, मगर व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ, क्या नुकसान हो सकते? भाई महंगा बहुत है, हाई कॉस्ट, माशाल्लाह से एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा, लाखों में होता ही ऑडिट, कंपनी को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, कंपनी को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा ऑडिट करवाने के बाद। बात कुछ जमी नहीं, अगर वो टैक्स से वजन कर रही है, हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज आ जाए, क्योंकि आपको ऑडिटर के साथ तमाम डाटा शेयर करना पड़ता है, तो ऑडिटर के साथ तमाम डाटा शेयर करने से हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज आपके सामने आ जाए। टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, चांसेस ऑफ फ्रॉड इसका नुकसान है भी। ऑडिट होता यही है कि आप फ्रॉड को पकड़ सके, फ्रॉड तक पहुंच सके, तो ये नुकसान तो नहीं, ये तो फायदा है। चांसेस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, ऑडिट करवाने से नहीं, ऑडिट करवाने से तो आपकी मार्केट में वर्थ बढ़ेगी, ये नुकसान तो नहीं है। मैंने आपसे पूछे हैं ऑडिट करवाने के नुकसान, आप मुझे इनडायरेक्टली फायदे बताने स्टार्ट कर दिए। आपको मुझे बताइए एक कंपनी जब ऑडिट करवा रही है तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है? एक आपने बताया कॉस्ट ज्यादा है, एक आपने बताया टाइम टेकिंग है, तो ये अभी तक दो मुझे रेलेवेंट लगे।
ये दो मुझे रेलिवेंट लगे। एक भाई ने कहा कि सर अगर ऑडिट करके हम ये पता चले कि कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा प्रोजेक्शन रखती है, अगर कंपनी के वो फॉरेन से शेयर्स बाय कर सकता है तो ये नुकसान नहीं है, दिस इज नॉट आवर डिसएडवांटेज, ये अच्छी बात है। मगर नुकसान ये है कि जब आपके पास कंपनी के शेयर्स होंगे ना तो आप उस कंपनी का ऑडिट दोबारा नहीं कर। इसके ऊपर भी हम लोगों ने भी बात करनी, नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। सैम्पलिंग एक बड़ा खूबसूरत वर्ड आया मेरे पास, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, कोई भाई इसके ऊपर इस वर्ड के ऊपर कोई रोशनी डाल सकता है कि ये सैम्पलिंग क्या है? थोड़ी बहुत अगर नॉलेज हो इस वर्ड के ऊपर, सैम्पलिंग क्या है? मेरे पास है क्लास में 25 बच्चे, क्लास मेरे सामने बैठी है और उसमें 25 बच्चे बैठे, मैं उन 25 में से 5 बच्चों से सवाल करूं, मैं उन 25 बच्चों में से 5 बच्चों को पिक करूं और उनसे सवाल करूं और उनके रिजल्ट को उठा के इस 25 पे ला के खड़ा करूं, यानी कि अगर 5 में से 3 बच्चों ने सही आंसर दिया मुझे बताइए 3/5 की रेशियो क्या होगी, 3/5 क्या परसेंटेज आ रही है आपके पास, 60% आ रही है। तो मैं कहूं कि जनाब 25 का 60% ये क्या होगा, 25 का 60% क्या होगा, मैं कहूं 25 में से 15 बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता होगा, दिस इज सैम्पलिंग। मेरे पास 25 बच्चे बैठे थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन 25 को एक 25 को खड़ा करके उनसे आंसर पूछ सकूं, तो मैंने क्या किया, मैंने सैंपल के ऊपर 25 में से 5 बच्चे पिक कर लिए और उन 5 बच्चों से सवाल जवाब किए, 5 में से 3 बच्चों ने सही आंसर दिए और 2 बच्चों को जवाब नहीं पता था। तो इसका मतलब ये है कि 3/5 इज इक्वल टू 60%, ये 60% किसका आंसर आया था, मेरे सैंपल का और मेरी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 25 की। तो अगर सैंपल का आंसर 60% है तो मैंने क्या किया, मैंने इस सैंपल के आंसर को प्रोजेक्ट कर दिया ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर, अगर 5 में से 3 है तो 25 में से 15 को ये जवाब आता होगा, बाकी 10 को ये जवाब नहीं आता होगा, दिस इज सैंपलिंग। सोच के बताइए क्या ऑडिटर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकता है, क्या एक ऑडिटर सारी की सारी होने वाली ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकता है, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? भाई कंपनी के पास डाटा है पूरे साल का, कंपनी के पास डाटा कब का है, पूरे साल का। लेट्स सपोज उनके पास सेल्स के अंदर ही लाखों में ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, फिर परचेज में ट्रांजेक्शन हजारों में है, और ऑडिट टीम में जो मेंबर्स होते हैं वो 2 या 3 होते हैं मैक्सिमम, बहुत ही कोई बड़ा क्लाइंट हो तो 4 लोग होते हैं। तो ये ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर ट्रांजेक्शन को उठा के वेरीफाई कर सकें, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर ट्रांजेक्शन को उठा के वेरीफाई कर सकें। तो ऑडिटर सैंपलिंग पे काम करता है, इस पे काम करता है, सैंपलिंग पे काम करता है, जो कि अपने अंदर एक डिसएडवांटेज है कि हम इतने पैसे लेके भी 100% अश्योरेंस नहीं दे रहे होते, 100% यकीन से नहीं कह रहे होते कि तुम्हारे अकाउंट सही बने रहे, हम 100 में से 80% 70% 90% चीजों को चेक करते हैं और फिर उस चेकिंग को प्रोजेक्ट करते हैं पूरे 100% के ऊपर और फिर अपनी ओपिनियन दे रहे होते। दिस इज सैंपलिंग। सैंपलिंग क्लियर हो गया, सैंपलिंग के ऊपर हमारा एक स्टैंडर्ड है चैप्टर नंबर 4 में आप लोग पढ़ेंगे ISA 530, हम डिटेल से देखेंगे कि सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग की टाइप्स क्या है, सैंपलिंग में रिस्क कौन से हैं,
सैंपलिंग के प्रोसीजर्स क्या हैं, सैंपलिंग करनी कैसे है, क्या क्या इफ्स एंड बट्स हैं, उस सारी कहानी जब चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे वहां पे आपको मैं बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली ना जो चैप्टर 1 है ना वो आपको पूरे ऑडिट का फ्लो बता रहा है, उसने आगे आने वाले तमाम चैप्टर्स की भी हल्के हल्के टीजर्स दिए हुए हैं, तो मुझे वो चीजें भी आप तक लाजमी पहुंचानी, जैसे कंट्रोल्स पहुंचाए, अब मैंने आप तक सैंपलिंग पहुंचाया। अच्छा जरा मुझे एक चीज बताइए, एक ऑडिटर आपके ख्याल से कितने टाइम के लिए कंपनी में आता है ऑडिट करने के लिए? एक ऑडिटर कितने टाइम के लिए कंपनी में आता है ऑडिट करने के लिए? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 2 महीने, 3 से 4 महीने, 6 महीने या पूरा साल। एक भाई ने कहा 2 महीने, एक भाई ने कहा 6 महीने, एक भाई ने कहा सर डिपेंड करते हैं एंटिटी के ऊपर, तो वेरियस आंसर्स मेरे तक पहुंचे हैं। ऑडिटर आता है 3 से 4 महीने के लिए। याद रखिएगा एक ऑडिट जब स्टार्ट होता है उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि 2-2.5 महीने में करके साइड पे करता है और हो भी जाता है, उसके बाद 1-1.5 महीना टीम बैठती है और आगे होने वाले इश्यूज को डील कर रही होती है, मेन काम 2-2.5 महीने में खत्म हो चुका होता है। तो 12 महीनों का डाटा आप 2 महीने में, चले 3 महीने में आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपको फिर सैंपलिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, आप 100% ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक चीज और आप लोगों ने बतानी है, कंपनी ने एक एसी परचेज किया, ये एसी कंपनी की दीवार पे इंस्टॉल्ड है, कंपनी की दीवार पे एसी इंस्टॉल्ड हुआ पड़ा है। ऑडिटर ने इस एसी को देखा और पूछा कि क्या ये एसी तुम्हारा ही है? मैनेजमेंट कसम खा ली, जी सर हमारा है। ऑडिटर ने पूछा तुमने परचेज की है? मैनेजमेंट ने कसम खा ली, जी सर हमने परचेज की। ऑडिटर ने पूछा इसकी इनवॉइस दिखाओ, मैनेजमेंट ने उस एसी की इनवॉइस लाके ऑडिटर के सामने रख दी। ऑडिटर ने इनवॉइस देखी, एसी को देखा, फिर इनवॉइस देखी, फिर एसी को देखा, फिर इनवॉइस देखी, फिर एसी को देखा और यकीन कर लिया कि ये एसी कंपनी का ही है। क्या हम उस एसी से पूछ सकते हैं कि ऐ एसी तुम किसके हो? क्या हम उस एसी से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का हमें एविडेंस देना, मैनेजमेंट का हमें रसीद प्रोवाइड करना कि सर ये एसी पक्की बात है हमारा ही है, ये जो मुझे एविडेंस मिला है रसीद की शक्ल में, ये एविडेंस क्या मुझे मानने पे मजबूर कर रहा है कि ये एसी कंपनी का ही है? मुझे रसीद पे मुझे कंपनी ने दिखाया है कि इस पे नाम हमारा लिखा हुआ है, हम लोगों ने बाय की है, क्या वो रसीद मुझे ये मानने पे मजबूर कर रही है कि ये वाकई में कंपनी ने परचेज किया है? या उस रसीद को देख के मैं यकीन कर रहा हूं कि वाकई में ये एसी कंपनी का ही है? क्योंकि मैं तो एसी से पूछ ही नहीं सकता, और जिस टाइम पे एसी आया होगा, इंस्टॉल हुआ होगा, उस टाइम पे मैं यहाँ पे था ही नहीं, तो मैं ये मानने पर मजबूर हो रहा हूं कि वाकई में कंपनी ने ये एसी मार्केट से परचेज किया है अपने लिए, इस तरह का ऑडिट एविडेंस कहलाता है परसुएसिव एविडेंस। क्या कहलाता है? परसुएसिव एविडेंस क्या है कि आपको परसुएड किया जा रहा है, आपको यकीन दिलाया जा रहा है एविडेंस दिखा के
कि वाकई में ये चीज ऐसे हुई थी या ऐसी हुई होगी। चूंकि आप 12 महीने मौजूद नहीं होते हैं, आपने तो साल के एंड में आना है, आप वहां पे 12 महीने तो नहीं है, आपने तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे वहां पे लैंड करना है। तो आपके सामने अगर कोई चीज हुई हो, आपकी आंखों के सामने अगर कोई चीज हुई हो, इसको हम कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव क्यों? क्योंकि यू नो व्हाट हैज हैपेंड, आपने खुद देखा है, आप किसी की बात पे किसी एविडेंस पे यकीन नहीं कर रहे हैं। दिस इज मोर कंक्लूसिव कि आपके सामने वो चीज अक्कर हुई हो। बट अगर वो चीज आपके सामने अक्कर नहीं हुई, आपको बाद में यकीन दिलाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड परसुएसिव एविडेंस। तो ये नुकसान है ऑडिट का कि हमें ज्यादातर परसुएसिव एविडेंस मिलता है, कंक्लूसिव बहुत ही कम मिल रहा होता है। वजह क्या है कि हम 12 महीने वहां पे मौजूद नहीं होते। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं, ओपिनियन इज नॉट क्वेश्चनेबल। देखिए, अगर एक कंपनी ने एसी परचेज की है तो जो रसीद आई होगी वो किसी सप्लायर से आई होगी, हम उस सप्लायर के पास जाके भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई में तुमने ये एसी कंपनी को बेचा। बेसिकली ऑडिट है क्या? अगर आप खुद ही मौजूद हो 12 महीने, तब तो ऑडिट ना होगा। ऑडिट क्या है कि आप पूरा साल की जो एंट्रीज है, जो डाटा है, वो आप 2 से 2.5 महीने में वेरीफाई करके रिपोर्ट देते हैं कि क्या वाकई में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एंड वैल्यू दे रहे हैं या नहीं। ये तो ऑडिट है, ये तो करना है। तो मैक्सिमम जो आपको एविडेंस मिलता है वहां पे वो परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं। कंक्लूसिव उस वक्त होगा जब आपकी आंखों के सामने वो ट्रांजैक्शन अक्कर हुई हो। आप इस परसुएसिव को बाद में कंक्लूसिव बना सकते हैं अपने प्रोसीजर्स लगा कर। जैसा आपको कंपनी ने रसीद प्रोवाइड की, अब उस रसीद के ऊपर उस सप्लायर का नाम लिखा है, आप उस सप्लायर के पास जाएं, उसको फोन करें, उससे पूछें कि क्या वाकई में इस तारीख को इस कंपनी में तुमने ये एसी भेजा था। अगर ओके करते हैं तो उससे पूछें क्या इस एसी की कॉस्ट क्या थी। अगर कॉस्ट भी मैच कर रही है तो अगर पॉसिबल है तो उस सप्लायर से एक और रसीद मंगवा के दोनों रसीदों को साइड बाय साइड कंपेयर कर। तो ऑर्डर का ओपिनियन कभी क्वेश्चनेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका तो काम यही है कि उसने एविडेंस ढूंढना है, उसने एविडेंस हासिल करना है। Am I clear? कि ऑडिट एविडेंस परसुएसिव क्यों है और कंक्लूसिव क्यों नहीं होता? तो कॉस्ट बहुत हाई है। जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो आप कंपनी के स्टाफ को बार बार तंग कर रहे होते हैं, तो डिसरप्शंस आप कंपनी के स्टाफ मेंबर्स के काम में दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, उनके काम को तंग कर रहे होते हैं। फिर जब आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो जरा मुझे बताइए अकाउंट्स के अंदर क्या जजमेंट्स इन्वॉल्व होती है या नहीं होती है? क्या अकाउंट्स के अंदर जजमेंटल डाटा होता है? भाई डेप्रिसिएशन 10% लगानी है या 5% लगानी है, ये क्या है? जजमेंट। मेथड स्ट्रेट लाइन यूज करना है या WDP यूज करना है, ये क्या है? ये भी जजमेंट है कि हमने करना क्या है। एस्टिमेट्स के बुनियाद पे, जजमेंट्स की बुनियाद पे तो आपके अकाउंट्स बन रहे होते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ सब्जेक्ट मैटर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसकी जजमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको समझा जा सके। तो ऑडिट के अंदर भी हम जजमेंट से काम ले रहे होते हैं, हम एस्टिमेट्स के साथ काम ले रहे होते हैं। फिर सैंपलिंग, ऑडिट एविडेंस परसुएसिव वाली बात हम लोगों ने कवर कर ली है, ये वाली पॉइंट जजमेंट वाला हमारा कवर हो गया। फिर जितना ही मर्जी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो कंट्रोल को थोड़ा जा सकता है। जितना मर्जी आप स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लगा लें, दुनिया का कोई ताला ऐसा नहीं है जिसकी चाबी ना हो, हर ताले की चाबी है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम्स आर, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जहां पे लिमिटेशन आ जाती है और हम वो कंट्रोल टूट सकते हैं।
तो जनाब ये आप लोगों ने लिमिटेशंस एडवांटेजेस को पढ़ के आना है कल की क्लास से पहले ये, और इसके साथ यूनिट वन, तो यूनिट वन एंड यूनिट फाइव आप लोगों ने कवर करना है। किसी पॉइंट पे फंसे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों ने पूछना है, क्योंकि कल हम लोगों ने इससे आगे चलना है, ठीक है। कल हम लोगों ने यूनिट टू स्टार्ट करना है, जहां पे आपका मसला हो आप पूछ सकते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं अगर आपकी ग्रामर आउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जब आप किताब खोलेंगे, चाहे वाईकैप की हो चाहे वीए वाली किताब हो, आपको फर्स्ट यूनिट तैयार करना है और किताब का आखिरी यूनिट तैयार करना है। लिखा कहीं नहीं हुआ कि यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव, ये लिखा नहीं हुआ, वैसे बता रहा हूँ एक पहला यूनिट है और एक आखिरी यूनिट है, तो आपको मैंने जबानी बता दी, ठीक है जी। तो लेट्स मीट टुमारो एंड होपफुली आपके माइंड में आज मजीद मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया है, जो कि आगे जाके आपको भी बेनिफिट दे रहे होंगे। सी यू गाइस अराउंड, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।